देखो भाई, अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, लेंस में रिफ्रैक्शन किस तरह की शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंस बनता कैसे। ठीक है, देखो हमने दो स्फेरिकल बॉल्स उनके हाफ हाफ पार्ट किए, आधा इधर से कट करा और आधा इधर से कट करा। ठीक है, इसी वजह से लेंस में मिरर में हमारी एक ही फोकल लेंथ और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेकिन लेंस में हमारे पास दो फोकल लेंथ होती। देखो, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पोर्शन एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पोर्शन। तो इसीलिए F1 और F2 जैसा काम लेंथ मिरर में फोकस करती थी वैसे यहाँ पर F1 करेगा, और जैसा मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर करता था वैसे यहाँ पर F2 करेगा। तो यहाँ भी सेम रिलेशन है, 2F1 = F2, सेम रिलेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको F1 F2 बोल देते हैं और इसको F1' और F2'। सेम यहाँ पर भी है, सेम कंडीशन है। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F1' एंड दिस इज F2'। लेकिन हमें यहाँ पर ये आता है कि यहां पर लाइट रेज क्या होंगी, पार हो जाएगी, मतलब पास होती जाएगी दूसरे मीडियम में, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर लाइट रेज आएंगी, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, यही लेंस हमारी आई के अंदर भी। ठीक है, और ये हमारा है उनके लेंस। ये बात ध्यान रखना, जिस तरह कॉनकेव मिरर काम करता है उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, और जिस तरह कॉनकेव लेंस काम करता है उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर काम। ठीक, अब देखो लाइट रेज, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस, वहां पर हम कोण बोलते थे, यहां पर हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर वो जगह होती है जिस जगह पर लाइट रेज आकर डेविएट नहीं होती। ये देखो लाइट रेज आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के तल पर, तो ये सब पार हो जाएंगे, ये जो सेंटर लाइन है इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये देखो इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग। यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो इसका फोकस तो इस तरफ है, लेकिन इसका फोकस इस तरफ है। जैसे देखो लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है तो ये जो डेविएट होंगी, भाई पार तो होना ही है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाने रिफ्लेक्ट बैक तो करेंगे, लेकिन क्या होंगी, किसके अकॉर्डिंग, इस फोकस के अकॉर्डिंग। ऐसे इसके अकॉर्डिंगली डेविएट हो गए। ठीक है, दैट्स व्हाई कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, अब देखो हमें क्या याद रखना है, कुछ रूल्स कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से आएगी तो कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो कहां से पास होगी। तो देखो अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से पास होगी, फोकस। पहली कंडीशन याद रखो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो डेविएट किसके अकॉर्डिंग होगी, फोकस। पहली कंडीशन, और अगर लाइट रे इन एनी केस फोकस से आगे पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइट रे अगर फोकस से पास होकर आ रही है तो कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम यहां पर देखो लाइट रे ये वाली कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां पर अगर फोकस के अकॉर्डिंग देखो लाइट आ रही है,
ये क्या हो जाएगी, ये फोकस है हमारा, ये कर लेंगे ठीक है। ये क्या हो जाएगी, यहां से पैरेलल हो जाएगी,